गाइस वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल क्लेरिफाइड लर्निंग। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट मेथड सीखने जा रहे हैं, उसका नाम है मोंजिस मेथड। और वैसे भी जो भी साइंटिस्ट के नेम पे मेथड रहता है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, तो मोंजिस मेथड इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हम पढ़ रहे थे, उसमें हमारे मोंजिस मेथड भी आता है। तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मोंजिस मेथड ही माना जाता है। और वैसे भी नेमिंग मेथड है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका हम आज प्रूफ सीखेंगे। और इस मेथड को एक और नाम से जानते हैं हम, उसका नाम है मोंजिस मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग। इस मेथड का एक और नाम है, तो आप इस नाम से भी कई बुक में लिखा हो सकता है, ठीक है। तो ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, और चैनल में अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना ये है कि यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन कंपेयर करेंगे हम, हमारे हमको जो क्वेश्चन मिलेगा मोंजिस मेथड में वो किस फॉर्म में मिलेगा। हमको क्वेश्चन इस फॉर्म में मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल एस स्मॉल एस प्लस कैपिटल टी स्मॉल टी इज इक्वल टू वी। हमको इस फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन मिलेगा उससे हमको कंपेयर करना है और यहाँ से कैपिटल आर कैपिटल एस कैपिटल टी और v का वैल्यू निकाल लेंगे हम। कैपिटल R, कैपिटल S, कैपिटल T और कैपिटल V का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पास कैपिटल R, कैपिटल S, कैपिटल T और कैपिटल V जो है किसका फंक्शन है, स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z, p एंड q का। मतलब ये R, S, T किसका फंक्शन है, स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z, p एंड q का फंक्शन है। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ऑलरेडी मालूम होना चाहिए कि ये जो इक्वेशन है इसमें स्मॉल r का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा स्क्वायर z अपॉन डेल्टा x स्क्वायर, स्मॉल s का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा स्क्वायर z अपॉन डेल्टा x डेल्टा y, और स्मॉल t का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा स्क्वायर z अपॉन डेल्टा y स्क्वायर। ये तीन वैल्यू हमको ऑलरेडी मालूम है, हम जानते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इतना हमको मालूम है। लेकिन अब हम सीखने वाले हैं मोंजिस मेथड का प्रूफ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन रहेगा, मतलब क्वेश्चन आपको गिवन रहेगा इस फॉर्म में, इसको हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को इक्वेशन नंबर वन मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको ध्यान समझना है, हम जानते हैं dp इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा y डेल्टा p y डेल्टा x स्मॉल p है और dx प्लस में डेल्टा p अपॉन में डेल्टा y फिर dy, ठीक है। लेकिन हमको p का वैल्यू क्या मालूम है, p का वैल्यू क्या जानते हैं, डेल्टा z बाय डेल्टा x। तो अब यहां पास p का वैल्यू रख दो यहां पास, तो क्या आएगा यहां से, dp इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा बाय डेल्टा x, यहां पास आ जाएगा डेल्टा z बाय डेल्टा x, ठीक है। फिर dx फिर प्लस में डेल्टा बाय डेल्टा y फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, डेल्टा z अपॉन डेल्टा x फिर ब्रैकेट में dy, ठीक। इसको और सिंपलीफाई करते हैं, फिर dp इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर z अपॉन में डेल्टा x स्क्वायर। इसको सॉल्व मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर dx मतलब डेल्टा z बाय डेल्टा x जो है इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट किए x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर z अपॉन डेल्टा x स्क्वायर dx प्लस ये क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर z अपॉन में डेल्टा y, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा y डेल्टा x, ठीक है। फिर dy, इसके बाद देखो हम सबका वैल्यू जानते हैं कैसे, डेल्टा स्क्वायर z अपॉन डेल्टा x स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, r होता है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया यहां पास, और s का वैल्यू भी हम जानते हैं, डेल्टा स्क्वायर z अपॉन डेल्टा y डेल्टा x होता है, ठीक है। तो पुट करते हैं यहां पास, स्मॉल r स्मॉल s आ गया, अब यहां से हम r का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो r का वैल्यू क्या आएगा, यहां से इधर गया dp माइनस s dy फिर अपॉन में क्या बचेगा dx, ये आ गया r का वैल्यू। अब सिमिलरली हम t का वैल्यू भी निकालते हैं, तो ये हो जाएगा dq इज इक्वल टू क्या जानते हैं, डेल्टा q अपॉन में डेल्टा x फिर dx प्लस फिर यहां भी वो जानते हैं डेल्टा q अपॉन डेल्टा y फिर ब्रैकेट में dy। अब यहां से आपको q का वैल्यू क्या मालूम है, डेल्टा z पर डेल्टा y होता है, तो ये q का वैल्यू हम यहां पर पुट करते हैं, ठीक है। यहां पुट करेंगे तो क्या आ गया, dq इज इक्वल टू ये हो जाएगा डेल्टा y डेल्टा x, q का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा z अपॉन में डेल्टा y फिर ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा dx फिर प्लस डेल्टा बाय डेल्टा y, और इसका वैल्यू क्या होता है, डेल्टा z अपॉन में डेल्टा y और बाहर में क्या आ जाएगा dy, ठीक है। फिर यहां से वैल्यू क्या आएगा dq का, dq इज इक्वल टू ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर z अपॉन में डेल्टा x डेल्टा y फिर dx, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर z अपॉन में डेल्टा y स्क्वायर dy इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से फॉर्मुला मैच कर लो, यहां पर फॉर्मुला क्या दिख रहा है, dx बाय dy s का वैल्यू है और ये वाला
टी का वैल्यू है, तो पुट करते हैं यहां पर, तो क्या हो जाएगा ये डी क्यू एस डी एक्स प्लस टी डी वाई, ठीक है। तो यहां से निकाल लो टी का वैल्यू, टी का वैल्यू क्या आएगा यहां से डी क्यू माइनस एस डी एक्स, फिर अपॉन में आ जाएगा हमारे पास डी वाई, तो ये किसका वैल्यू आ गया टी का वैल्यू, ठीक है, ये टी का वैल्यू आ गया। तो ये दो फॉर्मूले जो हैं आपको मालूम होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आपको मालूम होना चाहिए, इतना पहले आप समझ लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा आर का वैल्यू और टी का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पास हमने इसको इक्वेशन नंबर टू नाम दे दिया, इसको हम थ्री नाम दे दिया, ठीक है। इसको हम इक्वेशन टू मान लिए, इसको हम इक्वेशन नंबर थ्री मान लिए। अब क्या करना है, ये जो हमारा वैल्यू आ गया है आर और टी का, इसको हम इक्वेशन नंबर वन में पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एंड टी इन इक्वेशन वन, ठीक है। आर और टी का वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे, तो यहां से क्या जाएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर का वैल्यू क्या है डी पी माइनस एस डी वाई अपॉन में डी एक्स, फिर कैपिटल एस स्मॉल एस प्लस कैपिटल टी, स्मॉल टी का वैल्यू क्या है यहां से डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन में डी वाई, ठीक है, फिर इज इक्वल टू कैपिटल वी, ठीक है। यहां जब एलसीएम लेंगे हम, तो यहां एलसीएम में क्या आएगा डी एक्स और डी वाई, ठीक है। तो यहां बस क्या बचेगा आर डी पी माइनस एस डी वाई, इसके अपॉन में क्या है डी एक्स है, तो यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा एलसीएम लेने पे यहां डी वाई आ जाएगा, फिर प्लस एस स्मॉल एस, फिर डी एक्स, यहां कुछ भी नहीं है अपॉन में डी एक्स और डी वाई आ जाएगा, फिर प्लस कैपिटल टी ब्रैकेट में डी क्यू माइनस एस डी एक्स बाहर में डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, फिर इज इक्वल टू वी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ बस डी एक्स और डी वाई को हम उधर शिफ्ट कर लेते हैं, बस डी वाई को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर इसको और डी एक्स को अंदर ले आ लेते हैं, ठीक है। इतना काम करते हैं पहले हम, तो यहाँ से क्या आएगा आर, ठीक है, ब्रैकेट में ये डी पी डी वाई हो जाएगा, फिर माइनस एस डी वाई का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पास ब्रैकेट क्लोज, फिर कैपिटल एस स्मॉल एक्स डी एक्स डी वाई, फिर प्लस कैपिटल टी ब्रैकेट में, यहाँ क्या बचेगा यहाँ डी एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ हो जाएगा डी क्यू डी एक्स माइनस एस डी एक्स का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा डी एक्स और डी वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो वी डी एक्स डी वाई बचेगा यहाँ पास। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि हम इसमें आर का मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आर डी पी डी वाई माइनस आर स्मॉल एस डी वाई का स्क्वायर, फिर प्लस, ठीक है, एस स्मॉल एस डी एक्स डी वाई, फिर प्लस में कैपिटल टी, फिर यहाँ आ जाएगा डी क्यू डी एक्स माइनस कैपिटल टी स्मॉल एक्स स्मॉल एस डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, फिर इज इक्वल टू में इस वी डी एक्स को हम क्या करते हैं यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ जाएगा वी डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। अब आप इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पर हम क्या सॉल्व कर सकते हैं आगे, और यहाँ पर एस है, यहाँ भी एस है और यहाँ भी एस है, तो हम जो सेम वेरिएबल है उसको साथ कर लेते हैं, एस एस वाले को साथ कर लेते हैं और बाकी जो अलग वेरिएबल्स हैं उसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको इक्वेशन टू याद होना चाहिए, इक्वेशन थ्री भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको मैं आखिरी में आपको अटैच कर दूंगा एक साथ, इसको आप नोट डाउन कर लेना आखिरी में लास्ट में। अभी नीचे वाले इक्वेशन को फिर से ऊपर लिखते हैं एक बार, ये क्या है यहाँ पास आर डी पी डी वाई, फिर माइनस कैपिटल आई स्मॉल एस डी वाई का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस कैपिटल एस स्मॉल एस डी एक्स डी वाई, ठीक है, फिर प्लस टी डी क्यू डी एक्स, फिर माइनस कैपिटल टी स्मॉल एस डी एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस कैपिटल वी डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ सेम वेरिएबल को साथ साथ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आर डी पी डी वाई, ठीक है, यहाँ ऐसे इसको भी छोड़ दो, ये हो जाएगा प्लस कैपिटल टी डी क्यू डी एक्स, फिर यहाँ माइनस वी डी एक्स डी वाई, ठीक है, फिर प्लस, अब एस वाले टर्म को लिखते हैं, यहाँ कैपिटल एस स्मॉल एस डी एक्स डी वाई, ठीक है, फिर माइनस कैपिटल आर स्मॉल एस डी वाई का स्क्वायर, फिर यहाँ पास माइनस टी एस डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक आ गया।
अब इसको मैं एक ब्रैकेट में डाल लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको माइनस दो बार दिखाया है, इसको और अच्छे से अरेंज करते हैं। पहले हम ये हो जाएगा आर डी पी डी वाई, फिर प्लस में डी क्यू डी एक्स, फिर माइनस कैपिटल वी डी एक्स डी वाई। ठीक है, ये ब्रैकेट में आ गया, फिर यहाँ पास हो जाएगा प्लस। अब इसको हम अरेंज करते हैं अच्छे से, क्या हो जाएगा यहाँ पास आ जाएगा आर माइनस का आर एस स्मॉल एस डी वाई स्क्वायर, फिर प्लस में कैपिटल एस स्मॉल एस डी एक्स डी वाई, फिर माइनस टी स्मॉल एस डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। फिर आएगा आर डी पी डी वाई, फिर प्लस डी क्यू डी एक्स, यहाँ पास कैपिटल टी मिस हो गया था, कैपिटल टी डी क्यू डी एक्स, फिर माइनस वी डी एक्स डी वाई। फिर हम माइनस एस को कॉमन लेते हैं, स्मॉल एस कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ क्या बचेगा आर, ये प्लस हो जाएगा, माइनस एस तो कॉमन ले लिया हम, तो यहाँ क्या बचेगा आर डी वाई स्क्वायर, फिर माइनस कैपिटल एस डी एक्स डी वाई, फिर माइनस कैपिटल टी डी एक्स स्क्वायर का, यहाँ पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में आ गया इज इक्वल टू में जीरो। इसको हम नाम देंगे क्वेश्चन नंबर फोर। ठीक है, अब यहाँ इक्वेशन नंबर फोर से हमें दोनों ब्रैकेट को अलग अलग कर लेंगे और इज इक्वल टू जीरो रख देंगे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा आर डी पी डी वाई प्लस कैपिटल टी डी क्यू डी एक्स माइनस कैपिटल वी डी एक्स डी वाई, ये आ गया इज इक्वल टू में जीरो। ठीक है, फिर एंड आर डी वाई स्क्वायर माइनस एस डी एक्स डी वाई प्लस टी डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये दो हमने मान लिया अलग अलग। इसको हम बोल देंगे क्वेश्चन नंबर फाइव, और ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स। ये जो दोनों इक्वेशन है, हमने इन दोनों क्वेश्चन को सिंपल मेथड सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर फाइव और क्वेश्चन नंबर सिक्स जो इसको हम बोलते हैं मोंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, मोंजे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, मोंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आएगा, यहां से डीवाई माइनस एम वन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसको हम क्या बोल देंगे क्वेश्चन नंबर सेवन। फिर यहाँ एक और आएगा डी वाई इज इक्वल टू सॉरी डी वाई माइनस एम टू डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर एट। जब हम इक्वेशन नंबर सेवन को सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारा कुछ यू वन का वैल्यू आएगा ए एंड वी वन का वैल्यू आएगा बी। ठीक है, ये हमने मान लिया, सपोज हमने सॉल्व किया तो यू वन का वैल्यू ए आ गया और वी वन का वैल्यू बी आ गया। तो अब फंक्शन क्या बनेगा, यहाँ से यू वन इज इक्वल टू फंक्शन वी वन, ये हमारा फर्स्ट रिलेशन आ गया। इसको हम बोल देंगे क्वेश्चन नंबर नाइन। सिमिलरली हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा यू टू का वैल्यू आ जाएगा फंक्शन वी टू। इसको हम क्या बोल देंगे क्वेश्चन नंबर टेन। ठीक है, ये आपको और अच्छे से समझ आएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो हमको और अच्छे से क्लियर होगा क्या है यू वन और क्या है यू टू। अभी आपको इतना समझ लेना है प्रूफ करने के लिए। उसके बाद देखो यहाँ पास हम जानते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, हम जनरल सॉल्यूशन जानते हैं क्या होता है, डीजेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ये हमको ऑलरेडी मालूम है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जब आप इक्वेशन नंबर नाइन और इक्वेशन नंबर टेन को सॉल्व करोगे उसके बाद आपको हमको पी और क्यू का वैल्यू जो है एक्स वाई के टर्म में फाइंड करना है। ठीक है, और जब हमारा पी क्यू का वैल्यू आ जाएगा एक्स वाई के फॉर्म में, उसके बाद हमको जनरल सॉल्यूशन ये जानते हैं हम, डीजेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ये जब हम वैल्यू निकाल लेंगे पी का और क्यू का एक्स वाई के फॉर्म में, तब यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे इसको हम इंटीग्रेट करेंगे उसको, तो यहाँ से जेड का वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ से जेड का वैल्यू निकल के आएगा, वही हमारा फाइनल आंसर रहेगा, उस फॉर्म में हम आंसर निकालेंगे मोंजेस मेथड का। तो ये हो गया आज का मोंजेस मेथड का प्रूफ, ये वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि आपको आना चाहिए। An open invitation, but you tell me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So Chardonnay, we keep in the parking lot.
तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।